आओ, हमें आगे ये बताया गया कि पेड़ नीचे आ रहा है, हम भी उसी जगह मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 की टीम। तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनको इसी तरीके से आना। ये उत्तराखंड में जहां फटा था बादल, जहां आसमान से बरसी थी मौत, रेस्क्यू प्लेन जहां हुआ था क्रैश, सड़कों का सीना हुआ छलनी, तिनकों की तरह उजड़ गए आशियाने, गायब हो गए पुल, स्कूल, अस्पताल, दिल दहलाने वाली तस्वीरें, रेस्क्यू टीम का पहुंचना दुश्वार, लेकिन सैलाब के सितम की गवाही लेने न्यूज 24 की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। जी हाँ, जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां सबसे पहले हम पहुंचे। उत्तरकाशी में बादल फटने से 17 लोगों की जान चली गई थी। लोगों को बचाने पहुंची रेस्क्यू टीम का प्लेन भी आपको याद होगा क्रैश हो गया था, जिसमें बचाव दल के 3 लोग मारे गए थे। न्यूज 24 की टीम जब उस गांव का जायजा लेने के लिए निकली तो तबाही देखकर हमारी रूह कांपने लगी। अपनी जान जोखिम में डालकर हम पहुंचे उत्तरकाशी के उस अंतिम गांव की तस्वीरों को आप तक पहुंचाने के लिए, जहां बादल के बदलापुर की सबसे ज्यादा खौफनाक तबाही सामने आई थी। और ये मंजर वाकई रूह कांपने के लिए काफी है। गौर से देखिए हमारी रिपोर्ट। स्थिति है शरीर में, कब एक ही जोड़ कपड़े में है। आज कितने दिनों के सरकार ने एक व्यवस्था नहीं कर रखी, घर में एक थाली तक खाने के लिए बर्तन नहीं है घर में। अभी तक हम इसे भटक रहे दूसरे के घर में, दूसरे से मांग मांग के लगा रहे कपड़े भी। सरकार ने अभी तक हमारे लिए कोई मदद नहीं करी, ना कोई सहायता करी। कैसे कब तक खिलाएंगे लोग, कितने कितने आगे हाथ फैलाएंगे हम लोग। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में 18 अगस्त को फटा था बादल बम, जिसमें तबाह हो गए थे कई गाँव। 3 गांव तो पूरे के पूरे सैलाब में बह गए। रेस्क्यू टीम का प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। मतलब उन इलाकों तक पहुंचना दुश्वार ही नहीं, जानलेवा भी था। लेकिन न्यूज 24 की टीम ने बीड़ा उठाया आपको असल हालात दिखाने का, और जब हम रवाना हुए तो ये हुआ। ये मुश्किल भरा रास्ता था, ये देखें, ये जिस जगह खड़े हैं, ये मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि पीछे आ जाए थोड़ा, क्योंकि एक रास्ता नीचे आया है, पूरा पहाड़ सरकता जाए जिस जगह। ये भी अभी जिस जगह हम चल रहे हैं, हमें आगे जाना है, हम भाग कर आगे जाएंगे, क्योंकि आगे ये देखिए, ये बहुत और भी रास्ता है। मैं कोशिश करूंगा, हमें जल्दी निकलना है यहाँ से, क्योंकि रुकना सेफ नहीं है। ये पूरा रास्ता एकाएक ये नीचे जा सकता है, जल्दी निकलना है। करीब 200 मीटर का पूरा एक सड़क है जो बताया जा रहा है कि नीचे जा सकता है। ये देखिए, ये पूरी दरार आ गई है और बेहद ही मुश्किल। क्या ये देखिए, बिल्कुल ये बेहद ही, आप इसी गांव के हैं क्या? है अभी पेड़ आ रहा है, हमें आगे जाना है। ये बताया गया कि पेड़ नीचे आ रहा है, हम भी उसी जगह मौजूद हैं। ये आ गए, वो देखिए पेड़, यहाँ से निकलने की बात है। बस हमसे कहा जा रहा है कि पेड़, ये बेहद ही डरावनी तस्वीर है। लोग अभी भी आ रहे हैं। ये अचानक से क्या हो गया? ये अचानक से ये रास्ता बैठ गया है। हाँ। आपदा के बाद सारा ही रास्ता ये खत्म है, कभी भी जमीन ढह सकती है। हाँ। यहाँ पे लोगों को आने जाने में बहुत मुश्किल हो रही है और ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। बिल्कुल बेहद ही डरावनी तस्वीर उत्तराखंड के मलाना की, जहाँ बादल फटा है, हमें आगे जाना है, लेकिन बहुत ही मुश्किल दौर है। रेस्क्यू टीम को कितनी मुश्किलें आ रही होंगी, ये सबसे बड़ा एक दिख रहा है तस्वीर।
तो माना यह जा रहा है कि अगर ये रास्ता कट गया तो कई दिन लग जाएंगे। एयर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वो ही एक साधन हो सकता है, रास्ते नहीं है, यही एक रास्ता था। अब मुश्किलें कितनी हैं उसकी तस्वीर आपके सामने है। ये बेहद ही मुश्किल भरे रास्ते हैं, क्योंकि एक रास्ता जो कटा हुआ है वहाँ से जो पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। हमें रास्ता बताया गया है कि ऐसे रास्ते जो बनाए गए हैं इन रास्तों से जाना है, और जहाँ बादल फटा है, जहाँ रेस्क्यू टीम पहुँची हुई है, वहाँ पहुँचना रेस्क्यू टीम के लिए जितना मुश्किल है उतना हम लोगों को वहाँ आगे जाना मुश्किल है। मैं लगातार एक कोशिश कर रहा हूँ चढ़ने की, और इसी रास्ते से ऊपर से होते हुए हमें उस जगह जाना है जहाँ उसका हिस्सा है पहाड़ का, उस रास्ते को तोड़ा हुआ है, और इसी तरीके से हमें रास्ता बनाते हुए जैसे लोग जा रहे हैं, गांव के लोग इनके साथ, ये हमारे साथ जाएंगे और उस तरफ जाएंगे, यानी जहाँ बादल फटा है। रेस्क्यू टीम को कितनी मुश्किलें आ रही है मैं वो दिखाना चाह रहा था, उसी रास्तों से होके हम गुजर रहे हैं। हमारी टीम आगे बढ़ी तो हम दहल उठे, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ पर रेस्क्यू प्लेन क्रैश हुआ था जिसका मलबा अब तक समेटा जा रहा था। आराकोट से मोल्डी गांव और उसके आगे टिकोची और उसके आगे एक और जहां बादल फटा था, और उससे पहले की एक तस्वीर जहां हमें घंटों मशक्कत के बाद पहुंचना पड़ा, यहां पहुंच पाए हैं। ये तस्वीर मेरे सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये जो चॉपर क्रैश कल हुआ था जिसमें पायलट और एक स्थानीय निवासी जो मदद लगातार एयर ऑपरेशन चला रही थी प्रशासन, उस मदद के बाद वो यहां आया था। एक और चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा अगर दिखा पाऊँ, कि जो ये स्पेन कहा जाता है इसे, यानी ये वो ट्रॉली है जो सेब को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लेकर जाती है। ये उस दौरान हादसा हुआ कि जब ये चॉपर चलाने वाला पायलट इस चीज़ को समझ नहीं पाया और एकाएक इसकी चपेट में आने के बाद यहाँ टकराया। यहाँ टकराने के बाद वो नीचे जो हिस्सा देख रहे हैं, SDRF की टीम मौजूद है, प्रशासन के लोग मौजूद हैं, और जो उसके हिस्से हैं वो टुकड़े जिस तरीके से देख रहे हैं, एकाएक वो ब्लास्ट टाइप का हुआ, और यहाँ उसने चॉपर की, यानी जिस तरीके की तस्वीर है, जो भयावह तस्वीर है, उससे साफ पता चलता है कि कितना भयानक हादसा रहा होगा। रेस्क्यू टीम का हिस्सा था और उस दौरान ये हादसा, ये बताता है कि कितनी मशक्क़त प्रशासन को करनी पड़ रही है। ये पूरा इलाका उस बादल जो फटने की चपेट में आया था, जो आप थोड़ी सी तस्वीर अगर आगे की देखें, ये वो गांव है जो इसकी चपेट में था, यानी ये पूरा वो हिस्सा है जो तबाही का मंजर इस गांव ने देखा, लोगों ने देखा, और ये गांव के लोग हैं जो लगातार पैदल रास्ता तय करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, स्थानीय निवासी हैं। ये कल हुआ था, आप लोग कैसे? जी हम सामने थे, बैठा एक बार इसने, जो भी राशन पानी जो भी था वो उतारा, फिर उसके बाद ये उड़ान भरी इसने, फिर उल्टा ही उल्टा आ गया, ये तार पे टकरा गया, क्रैश हो के पार ढांग पे पेड़ पे टकराया और ब्लास्ट हो गया। अच्छा जी, तो आप लोगों ने क्या मदद करी? मदद की सर, बड़ी मुश्किल से पुल बनाया लकड़ी का, फिर पार गए, फिर जो भी था हमने देखा, डेड बॉडियाँ जली थी। ये बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर है, जो इलाका अभी उन मुसीबतों से, यानी मुश्किलों से गुजर रहा है, प्रशासन मदद कर रहा है। हम उन रास्तों में पहुंच रहे हैं, जो तस्वीरें हम आपके सामने ला रहे हैं वो बेहद ही दर्दनाक तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कोशिशें प्रशासन की है कि एकाएक जनजीवन जो अस्त व्यस्त हुआ है उसे पटरी पे लाया जाए, कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी हैरान। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे सैलाब के सितम की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही थी। इसके बाद हम जहां पहुंचे वहां की तस्वीरें देखकर प्रलय की ताकत का एहसास हुआ। बेहद ही दुर्गम रास्ता, तबाही की तस्वीरें बड़ी हैरान कर रही है। नीचे एक दो तीन, उसके आगे चार, और ये पांचवी गाड़ी, और ऐसी कम से कम पांच से छह गाड़ियां इस मलबे के नीचे दबी हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि जब ये मलबा आया ऊपर से, किस तरीके की तबाही ये लेके अपने साथ आया। इस बताया जा रहा है कि यहाँ से लोगों को निकाला भी गया था, कईयों को निकालने की कोशिश की गई, कुछ पता नहीं लगा, और जो मलबा है, NDRF और जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार कोशिश कर रही थी। इस गाड़ी को देखिए, ये यहाँ थी, इसके ऊपर मलबा आया, ये दब गई। यानी ये तस्वीरें बड़ी डरावनी तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पर जिसने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है ये हुआ है, और ये सब गवाही दे रहे हैं कि यहाँ जब बादल फटा था तो ये तस्वीर ऐसी देखने को मिली है। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते हमारे पैर कांपने लगे थे, दिल कुदरत के खौफ से सिहर उठा था।
आगे गांव के स्कूल, पुल, अस्पताल सबके सब गायब हो चुके थे। कुछ बचा था तो सिर्फ तबाही का मंजर। एक और भयानक तस्वीर टिकोची गांव की, ये बादल फटने के बाद की है। ये पुल कनेक्टिंग जो आगे जाता है, ये इतना भारी पुल होता है, ये देखिए पूरा टूटा हुआ है। यहाँ स्कूल है लेकिन तस्वीर नहीं है। अस्पताल है, बोर्ड है, पूरा अस्पताल गायब है। टिकोची गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया ये है और ग्राउंड जीरो पे सबसे पहले हम पहुँचे हैं। यहाँ पे ये स्कूल, अस्पताल और ये पुल, जो चहल पहल रहती थी यहाँ कुछ नहीं है। मंजर आप खुद देखकर समझ सकते हैं कि जो पहाड़ के मलबे जिस तरीके से आए, और ये देखिए इस तरीके से ये लोग जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, ये सारा का सारा टूट चुका था। ये पब्लिक ने रास्ता बनाया है चलने का, और इसी तरीके से आगे रेस्क्यू टीम भी गई थी उन्होंने, क्योंकि रेस्क्यू टीम पैदल ही गई है या एयर ऑपरेशन के ज़रिए गई है, लेकिन जिस तरीके से हम जा रहे हैं और जिस तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो यही है कि जो मंजर यहाँ सबने देखा, जो तस्वीर यहाँ की है वो बेहद ही भयानक तस्वीर है। ये तो केवल रास्ते का मंजर था, उन गांव में तबाही ने क्या सितम ढाया होगा जहां बादल बम फटा था, ये जानने के लिए हम बेताब भी थे और खौफजदा भी। राहुल प्रकाश, उत्तरकाशी, News24। फटा बादल और बरसी मौत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बादलों की तबाही जानने के लिए निकली News24 की टीम की पहली रिपोर्ट तो आपने देख ली, और कुदरत के क्रोध का अंदाजा भी आपको हो गया होगा। ब्रेक के बाद की बात करते हैं। अब हमारी टीम उस टिकोची गांव में पहुंच चुकी थी जहां सबसे ज्यादा तबाही मची थी। हमने वहां का भी जायजा लिया। जो खौफनाक तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई हैं वो आप भी देखें। न्यूज 24 की टीम पहुंच चुकी थी उस टिकोची गांव में जहां सबसे ज्यादा तबाही मची थी। हालांकि इसके ऊपर भी एक गांव था, लेकिन वहां तक पैदल पहुंचना नामुमकिन हो चुका था। गांव में पहुंचते ही जो मंजर हमने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। सैकड़ों किलो के पत्थर और चट्टाने पूरे गांव में आसपास बिखरे पड़े थे। हर तरफ तबाही थी, दुकान, मकान, बाजार सब सैलाब के मलबे की भेंट चढ़ चुके थे। टिकोची गांव में पहुंच चुके हम अंदर। ये गांव है, तस्वीर देखिए आप, लग रहा है किसी तरीके से ये गांव हो सकता है। ये जहां मैं खड़ा हूं ये एक अच्छी सड़क थी। ये जो ऊपर से मकूड़ी से बता रहे हैं कि जो बादल फटा उसका जो सैलाब ऊपर से जो नीचे आया, जो टिकोची गांव, ये मैं उन रास्तों में चल रहा हूं जो बहुत अच्छे रास्ते थे। ये देखिए जिस तरीके की तस्वीरें हैं, और यहां से गाड़ियां आती थी जाती थी, लोग अपना सामान अभी भी निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां की जो तस्वीरें हैं ये मार्केट एरिया है पूरा। यहां गाड़ियां रुकती थी, खाने पीने की चीज़ें मिलती थी। ये घरों की तस्वीरें हैं और इसके आगे भी हम आपको दिखाएंगे, लोग बैठे हैं जो जो वापस आए भागकर दोबारा। अभी पूरी तरीके से प्रशासन आकलन नहीं कर पाया है कि यहाँ पे कितने लोग थे, कितने मिसिंग है, क्योंकि जहाँ जहाँ एयर ऑपरेशंस, जहाँ जहाँ रेस्क्यू हुआ है वो एक्चुअल फिगर अभी नहीं आई है, वो बढ़ सकती है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। टिकोची गाँव में मैं मौजूद हूँ। ये रास्ता था, ये आप अभी तस्वीर तो देख रहे हैं, इंटर कॉलेज देख रहे हैं, इसके ऊपर इंटर कॉलेज है, सिर्फ नाम का अब इंटर कॉलेज है। और ऊपर जो अगर आपकी तस्वीर जा रही होगी, ये लोग बचा के जान ऊपर भागे थे, क्योंकि जब लोग बता रहे हैं कि जब एहसास होने लगा था कि जब ज़मीन हिलने लगी थी, इनको लगा था कि कुछ हुआ है, तब इनको ये एहसास होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है, तमाम लोग बाहर आने लगे थे। ये बीच व्यस्त मार्केट इस इलाके की कहते हैं कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट सेब का ट्रक या कुछ भी यहाँ से होके जाता है। ये सड़क है, ये रास्ता इस तालाब ने बनाया है, और किस तरीके से ये तस्वीर टिकोची गांव, ये तस्वीर है ग्राउंड जीरो पर जहाँ हम पहुँचे हैं। और ये क्या कहते हैं, ये रास्ता पूरा, ये कैसे भागे आप लोगों को पता लग गया था क्या हो रहा है? सर यहाँ पे जैसे ही आ गया है, जैसे इधर से आ गया, पहले इंटर कॉलेज था, ये पीछे इंटर कॉलेज के, यहाँ से जैसे ही पानी भरा इस ग्राउंड में, इस ग्राउंड के बीच ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है, और ग्राउंड के ऊपर से स्लाइडिंग हुई, पानी बहने लगा, सीधे आगे टकरान होने लगी है, सीधे दुकानों पे पानी भर गया, लोग यहाँ से छतों से उठकर चले गए हैं और बहुत दूर दूर तक भागे। लोग देखो ये ऊपर भागे हैं, इधर उधर भागे हैं,
कि इधर पूरे में मलबा भर गया। उस समय कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कहाँ जाएं कैसे जाएं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। सिर्फ लोगों के बच्चे थे, छोटे महिलाएं थी, और सीधे अपनी जान बचाते हुए कुछ नहीं बचा पाए, अपना सिर्फ बदन का कपड़ा लेकर और भाग गए इधर उधर। ये बिल्कुल हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। कैमरा पर्सन धीरज ठाकुर के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, टिकोची, उत्तरकाशी।